हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ घर पर रखी बस कुछ ही सामान से बनी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी रेसिपी, जो बिना मेहनत के झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा इस रेसिपी को बनाने में। मेंदू वड़ा खाना सबको पसंद आता है, लेकिन उसको बनाना बहुत ही झंझट का काम लगता है। साथ ही उन्हें बनाने के लिए हमें काफ़ी बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है, लेकिन इस वड़ा को आप टेंशन फ्री होकर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सूजी पोहा वड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मिक्सर जार लिया है मैंने, उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप सूजी और 1/2 कप पोहा, और इन्हें हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने से बारीक पीस जाते हैं, जिससे बड़े क्रिस्पी हो जाएंगे और उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो इसे हमने बारीक पीस लिया है। अब इसमें हम 1 कप दही डाल देंगे और 1 बड़े साइज का उबला हुआ आलू काट कर डाल देंगे। फिर से इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे, तो रुक रुक कर पल्स मोड पर इसे हम ग्राइंड करेंगे। पोहा और आलू दोनों ही सूजी वड़े में बाइंडिंग लाती है, तो अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन पोहा जरूर डालें। इसे हमने पीस लिया है। अगर पीसते वक्त आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो आप 2-3 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ढककर 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि इसमें हमने जो सूजी ऐड किया है वो से अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट हो गए, सूजी अच्छे से फूल कर सेट हो चुकी है, ये देखिए। तो अब हम इसमें कुछ और फ्लेवरफुल चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हमने लिया है एक बहुत ही छोटा सा प्याज बारीक कटा हुआ। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड कर लेंगे। अगर कड़ी पत्ता है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ धनिया पत्ती ऐड कर लीजिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, चुटकी भर हींग, हींग से वड़े में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही 1 चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे, जीरा कच्चा ही लेना है आपको, भूनकर नहीं लेना है। लास्ट में हम इसमें इस वड़े को फ्लफी और जालीदार सॉफ्ट स्पॉन्जी बनाने के लिए बस 1 चुटकी खाने वाला सोडा ऐड करेंगे। बस अब सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं, जिससे ये डो फॉर्म में आ जाए। बीच बीच में मिक्स हाथों में चिपकेगा भी, तो आप ऑयल से हाथों को ग्रीस कर लें। तो ये बढ़िया से मिक्स तैयार है। अब हाथों में पानी या ऑयल लगा लें, क्योंकि अब हम इनके बनाएंगे वड़े। मैं इसे वड़े का शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो गोल गोल या फिर फिंगर शेप में भी बना सकते हैं। तो जो मेथड आपको इजी लगे उस तरीके से आप इसे बना लें। तो पहले इसे मैंने गोल शेप बना लिया है, आप चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन इसके बीच में एक होल कर दिया जाए तो इससे वड़े बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। ये उंगलियों में चिपके तो पानी से इसे गीला कर ले और फिर इस तरह से होल कर ले, क्योंकि होल में भी तेल चला जाता है तो ये अंदर से भी क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं। तो एक बड़ा रेडी है, सावधानी से इसे हम गरम तेल में डाल देंगे और सेम प्रोसेस से सारे वड़े इसमें डालते जाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे या फिर लो पर रखें, हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये वड़ा जो है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो जब ये नीचे से थोड़ा पक जाए तो इसे हम पलट देंगे, और इसे हम पलट उलट करके तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो अब ये फ्राई हो गए हैं, निकाल लेते हैं इसे हम। बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में देख सकते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बड़े हो या छोटे, सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। इसके आगे समोसा कचौड़ी भी फेल है। तो एक वड़ा मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ इसके अंदर का टेक्स्चर कैसा है। तो है ना, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट जालीदार स्पंजी। तो फ्रेंड्स, वड़ा इसी तरह का होना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसी धमाकेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।